मेला भाई 201 साल पुराना मेला है। जब हमारा देश आज़ादी नहीं मिला था तब ये मेला चल रहा है। तो गाइस यहाँ का मेला का जो मेन रीज़न है तो मेला होता है बस शंकर जी का पूजा के वजह से यहाँ पे मेला बैठता है। तो हर साल यही होता है। स्थगित करके हम घर के तरफ जा रहे हैं। गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ और बाइक को हमने कर दिया पार्क। तो अभी चलते हैं मेले के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं ये मेले का कैसा क्या व्यू है। और ये मेला भाई 201 साल पुराना मेला है। जब हमारा देश आज़ादी नहीं मिला था तब से ये मेला चल रहा है। तो इतना पुराना है, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था और देश भी आज़ादी नहीं हुआ था उस समय का मेला है ये। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं एक बढ़िया मेला का व्यू, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मेला यही होता है। तो चलो अभी चलते हैं मेले के अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या स्टॉल बैठा है और क्या क्या चीज़ हुआ है। गेट से हम अंदर आए और देखो मेला का गेम मेला का मेन गेट से ढुक के हम सारे गोली कवर करेंगे। ऐसे तो नहीं होता है भाई, बोल रहा है कि मेले के अंदर हम आ गए तो यहाँ पे जितना भी स्टॉल बैठा है वो आप लोगों को जरूर दिखाना है। तो चलो अभी चलते हैं, क्योंकि इस तरफ से भी जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि उस साइड में खाने का चीज़ है, हमें खाना नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टॉल बैठा है। तो अभी हम खाने के साइड में आ सकते हैं। यहाँ पे देख लो मिठाई वगैरह सब कुछ मिल रहा है और कुछ लड़कियों का भी चीज़ है, मगर हमें आप लोगों को बस दिखाना है क्योंकि हमें खरीदना नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है ना। तो दादा 360 लेके क्या कर रहा है? तो दादा के पास एक अलग ही चीज़ है। सारे गले हम कवर कर लेंगे। तो मेरा भाई धोती पहन के आया, तो धोती फाड़ ब्लॉग होगा। अच्छे टाइम पे आए क्योंकि यहाँ पे अगर और जल्दी आ जाता भाई, हम चलने में इतना दिक्कत होता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड वाला सीन था। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या स्टॉल बैठा है। तो देख सकते हो चारों बस लड़कियों का खाने का, और कुछ मतलब लड़कियों का ही ज्यादा है, लड़कों का नहीं है। गाइस यहाँ पे आके एक चीज मिला है हमें, क्योंकि 360 का बैटरी जो सरप्राइज मिला वो मैंने भाई मुझे बैटरी चार्ज करके रखा था तो वो 28% आ गया। तो ये मेरा गलती नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे बोला था कि 360 में फुल चार्ज है तो इसलिए मैं उसका दूसरा बैटरी नहीं लाया। तो अभी आके मैं चेक कर रहा हूँ कि उसके 28% बैटरी है। तो जितना भी हो सकेगा मैं उतना वीडियो आप लोगों को कवरेज करूँगा। और इसी रात को भी आए, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो यहाँ पे झूला का वगैरह किया गया है। और उसके बाद ये मुझे तो इसमें तो पहली साल में मैं इससे चढ़ा था तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगा था, उसके बाद से मैं इसमें नहीं उठता। और आप लोग कॉमेंट करके बिल्कुल उठने के लिए मत बोलना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उस चीज़ से। और यहाँ पे भी मुझे डर लगता है, बस आप लोगों को आज दिखाना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बैठा है। यहाँ का मेला का जो मेन रीज़न है तो मेला होता है बस शंकर जी का पूजा के वजह से यहाँ पे मेला बैठता है। तो हर साल यही होता है। तो चलो यहाँ का जो मेला का मेन जो रीज़न था वो बस शंकर जी का पूजा के लिए ही तो यहाँ पे मेला बैठता है। तो मेले का देख सकते हो, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो ये पूरा चारों ओर बस स्टॉल बैठा है। तो आप लोगों को घुमा के दिखाते हैं, क्योंकि 360 में ज़्यादा फुटेज नहीं है क्योंकि उसका बैटरी डेड होने वाला है बहुत जल्द। तो बस चारों घर सजाने के लिए और बच्चे का लड़कियों का चीज़ ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो अभी लड़की भाव नहीं दे रहे हमें ना, नहीं चाहिए मुझे ये चीज़ कभी नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए बस। 20 रुपये से सामान चीज़ अवेलेबल है, तो हमें क्या खरीदना है? कुछ भी नहीं खरीदना, बस देखना है। हमारा कैमरा है। हेलो, सब्सक्राइब चैनल नाम की हाँ?
SRBR बाइकर। अच्छा ठीक है, सब्सक्राइब करो। छोटा सब्सक्राइब। तो अभी हम जिस साइड में आ गए हैं तो यहाँ पे खाने का स्टॉल बैठा है, तो खाना वाना कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हम तो घर से खा के ही आए हैं, क्योंकि मुझे इस मेले में कुछ भी नहीं खाना। और मेरे साथ जो लोग आए वो शायद पीछे पड़ गया है क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा भीड़ में फंस गए पीछे की तरफ। और यहाँ पे देखते हो बस चारों बस खाने का चीज़ है, और ये पानी पूरी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको फुचका। तो आप लोगों के वहाँ पे बहुत जो लोग बाहर से, तो उन लोगों के वहाँ पे क्या बोलता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस खाने का स्टॉल बैठा है। तो गाइस देख सकते हो इतना ज़्यादा स्टॉल बैठा है, तो चलो अभी आप लोगों को पूरा स्टॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉल बैठा है, आप लोगों को जितना हो सके हम दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉल बैठा है, आप लोगों को जितना हो सके हम दिखाएंगे। तो गाइस अभी इतना गर्मी पड़ा है इसलिए हम थोड़ा सा पंखा ले रहे हैं यहाँ से खरीद के। और हम लोगों को चाहिए तो फ्री में मिलेगा, यहाँ पे बस मेरा चैनल का नाम लिखा रहेगा। गाइस यहाँ पे लड़कियों का सामान है तो हम लोग थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे घर वाले के लिए मिट्टी का हर एक चीज़ मिलता है और लड़की का भी देख सकते हो। तो चलो हम लोग अभी उस दूसरी तरफ चलते हैं। गाइस इतना गर्मी है अंदर, तो अभी लगभग देख सकते हो 10:30 बज गया है। तो अभी उसके अंदर गया था तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, और जितना भी स्टॉल बैठा है वो बंद हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए मैं सोचा क्यों ना मैं घर चला जाता हूँ स्टॉल। तो मैं आप लोगों को जितना हो सका दिखा दिया, तो एकदम पसीना से मतलब हालत ख़राब हो गया है। तब लोग हम यही पेंट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में। बाय बाय।